यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्रीज नहीं है कि वो अपना फंड खुद जनरेट करे, गरीब का बच्चा तो तालीम हासिल नहीं कर सकेगा, सोच भी नहीं। हम इस स्टेज पे आ गए कि हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो मुकम्मल तौर पर जो नाकामी है डॉक्टर जानवर साहब की, इंशाल्लाह हम बनिगाला भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लिबर्टी स्पीकर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान खान। इस वक्त हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर में मौजूद हैं। यहां पे तनख्वाहों के हवाले से एहतजाज जारी है, आज एहतजाज का 14 दिन है। आइए इन लोगों से जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर बशीर अहमद, प्रेसिडेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंट जॉइंट एक्शन काउंसिल, जिसमें सारी यूनिवर्सिटी की जितनी भी एसोसिएशन है उसका मैं भी प्रेसिडेंट। तकरीबन 2-3 महीनों से वाइस चांसलर के साथ डायलॉग चल रहे थे, क्योंकि हमारी सैलरीज, कुछ सैलरीज हमें मिली है और उसका रिमेनिंग पोर्शन वो बाकी है। 1.5 साल हो गया कि वाइस चांसलर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वो रिमेनिंग पैसे दे दे। वाइस चांसलर हमसे वादा कर रहे हैं कि हम वो पैसे आज दे रहे हैं, नेक्स्ट महीने दे रहे। 1.5 साल गुजर गया, वो पैसे हमें नहीं मिले, क्योंकि इस महंगाई के दौर में वो पैसे भी हमें नहीं मिल रहे। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने और इंक्रीज़ किए हैं वो भी सारी चीज़ें वो हमें नहीं मिल रही, तो मजबूरन हमें निकलना पड़ा। क्योंकि सारे जो एम्प्लॉज़ है वो उस स्टेज पे है कि वो घरों का खर्चा भी नहीं चला रहे। जो प्रीवियस मंथ था उसकी 3 लाख रुपए बढ़ गए, तो उसने बग़ैर किसी अप्रूवल के वो अपने पैसे बढ़ा दिए और एम्प्लॉज़ के पैसे तकरीबन 1.5 साल से वो पड़े हैं, वो नहीं दे रहे। बार बार कोशिशों के बावजूद तंग आके हम निकले। हम इस स्टेज पर आ गए कि हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तकरीबन ये 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश थी कि स्टूडेंट सफ़र ना हो, यूनिवर्सिटी में कोई मसला ना हो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हम टीचर्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का जितना एहसास हमें है वो बाकी किसी और को नहीं, वाइस चांसलर को इसका एहसास नहीं है। हमने एंड तक कोशिश की, डायलॉग्स की, 2-2.5 महीने हम इस स्ट्राइक को मुलतवी करते रहे। इवन 9 तारीख को मैं इसके घर पे गया हूँ, उससे बात यह है कि ये स्ट्राइक है, कुछ करे। हमने बहुत से ऑप्शन दिए कि स्टूडेंट का वक्त ज़ाया हो रहा है। 10 तारीख को हमारे साथ मीटिंग हुई, उसमें भी हमने ये रिक्वेस्ट की कि सर कुछ करे, क्योंकि एम्प्लॉज तंग है, निकल ले, स्टूडेंट का वक्त ज़ाया होगा, यूनिवर्सिटी की तबाही वो शुरू हो जाएगी। लेकिन वाइस चांसलर ने हंस के हमें कहा कि आप लोग निकले, मैं भी आपके साथ निकलूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है सबको ये चीज़ें मिली है, सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है जो ना बैठ सकता है, ना बात कर सकता है और ना स्टूडेंट का वो सोच रहा है। मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ें यहाँ पर हमने ना की तो स्टूडेंट की जो आने वाली फ़ीस है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि हुकूमत भी कोई नहीं कुछ नहीं कर रहा और ये तो ऑलरेडी हुकूमत के साथ मिला है, तो ये हुकूमत का एजेंडा पूरा कर रहा है। एक और बात ये है कि सिर्फ तनहा तो नहीं है, स्टूडेंट्स है उसकी रिसर्च के लिए वाइस चांसलर, ये 4 साल उसके हो गए, ये बता दे कि कभी स्टूडेंट के एजुकेशन पे इन्होंने बात की है, कभी ये डिपार्टमेंट में आया है, कभी रिसर्च पे इन्होंने बात की है कि स्टूडेंट की रिसर्च के लिए हमें पैसे चाहिए। ये कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ टाइम गुजार रहे और यहाँ पर अपनी कुर्सी पे बैठा है और अपने बच्चों के लिए सोच रहे, जो इसके अपने बच्चे हैं, जो कौम के बच्चे हैं, ये इनके अपने बच्चे नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, जो मुझे सुनने वाले हैं, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है, मैं आटा की तरफ से मीडिया सेक्रेटरी भी हूँ। हालात कुछ ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं कि आपको एहतजाज की नौबत आ जाती है, कोई खुशी से कोई भी एम्प्लॉय या वो एहतजाज नहीं करता। अब देखें, पिछले साल से भी हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा किया हुआ है, तो ये बात नहीं है कि आप लोग ऐलानों में तनख्वाहों में इजाफे की बात करते, बल्कि हक ये बनता है हर एम्प्लॉय का जहाँ पे भी काम करे कि उसको वो हक उसी वक्त दे दिया जाए जहाँ से शुरू हुए। अब आपको वो इंक्रीज़ ना मिले, आपको जो नई आने वाली है इंक्रीज़ है वो ना मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग फिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज करके अपने हक को लेंगे, तो वो कोई बेहतर नहीं लगता। मेरी तो गुजारिश हुकूमत से ये है कि हुकूमत यूनिवर्सिटीज़ को एक हायर एजुकेशन को स्पेशली उनको फंड्स फ्राहम करे ताकि वो बग़ैर नॉन स्टॉप अपनी रिसर्च को वो जारी रख सकें, स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ़ायदा हो। स्टूडेंट्स गरीब लोगों के बच्चे आते हैं हमारे पास, इतने गरीब लोगों के बच्चे आते हैं कि वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमें
ये ज़बरदस्ती किया जाता है यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया को, ये कहा जाता है कि जी आप लोग इसमें 10% इंक्रीज़ कर लें। अगर वो 10% हर सेमेस्टर के अंदर इंक्रीज़ जाती जाएगी, वो फीस हवाओं पे बातें करने लगेगी, फिर तो किसी अमीर का बच्चा तालीम हासिल कर सकेगा? किसी गरीब के बच्चे का तो कोई हक ही नहीं रहेगा। तो तालीम को अगर आप लोगों ने आम करना है तो आपने हायर एजुकेशन को स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर बंदे को, चाहे वो हज़ारा से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो हिंदी स्पीकिंग है, चाहे वो पश्तो स्पीकिंग है, उसको तालीम चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी संवार सके। और स्पेशली प्रोफेशनल एजुकेशन को आपको प्रमोट करना चाहिए, आपको फ़ंड्स देने चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं कि वो अपना फ़ंड खुद जनरेट करे, वो कहाँ से जनरेट करेगी? अब चले आप ज़रात को कहेंगे कि ज़रात की यूनिवर्सिटी तो अपना गंदम बेचे, अपना ये बेचे, आप मुझे बताएं कि पेशावर यूनिवर्सिटी क्या बेचेगी? क्या वो अपनी इंग्लिश बेचेगी? क्या वो अपनी उर्दू बेचेगी? वो क्या बेचेगी? आपको यूनिवर्सिटीज़ को, हायर एजुकेशन को आपको हर कीमत पे फ़ंड देना चाहिए अगर आप अपनी कौम को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आप अपनी कौम को पीछे रखना चाहते हैं, तो जाहिल लोगों का डब्बा बनाना चाहते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। और उन लोगों के हाथ में एजुकेशन ना दें जिनके पास पैसा बहुत है। तो स्टूडेंट्स पे तो ये असर पड़ेगा कि गरीब का बच्चा तो तालीम हासिल नहीं कर सकेगा, सोच भी नहीं सकेगा कि मैं इतनी ज़्यादा फीस कहाँ से दूँगा। तो ये मसाले हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्लरिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और अभी जो स्ट्राइक जारी है आप देख रहे हैं, तकरीबन 13वां 14वां रोज़ है हमारा। इसमें आपने जो बात की, इसमें जो नाकामी है सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की, और पूरी जिम्मेदारी वाइस चांसलर डॉक्टर जानबख्त की है। हुकूमत तो रूटीन में जो इंक्रीजेस करती है, तकरीबन 1.5 साल से यूनिवर्सिटी सैलरीज में जो इंक्रीज हुई थी, अभी तक 1.5 साल हमने इंतज़ार किया, मगर एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी सख्त नहीं है, वो मैनेज नहीं कर सकते कि वो यूनिवर्सिटी को सही तरीके से रन करें। अभी स्टूडेंट्स का भी टाइम ज़ाया हो रहा है, तकरीबन 13 रोज़ से सेक्रेसी बंद है, सारी यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है। स्टूडेंट्स अभी रिन्यूअल चल रहे हैं, रिन्यूअल भी अभी स्टूडेंट्स के नहीं हो रहे हैं। आगे हमने फ्रेश एडमिशन होने, फ्रेश एडमिशन के लिए भी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी बंद है। तो मुकम्मल तौर पर जो नाकामी है डॉक्टर जानबख्श साहब की है, तो वो सिर्फ अपनी सीट के साथ चिमटा हुआ है, यूनिवर्सिटी और इसके मुस्तकबिल की उनके साथ कोई फिक्र नहीं है। अगर नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, तो चाहिए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। जो इनक्रीजेस गवर्नमेंट ने किए, वो यूनिवर्सिटी अपने सोर्सेज से देते हैं। तो अभी जब यूनिवर्सिटी अपने सोर्सेज उनके पूरे नहीं होते, तो वो लाजमन स्टूडेंट्स पे वो बोझ डालेंगे, जिनके ऑलरेडी हमने कई सालों से उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है स्टूडेंट्स के फीसेज में। तो सरासर जो जितनी भी जिम्मेदारी है वो डॉक्टर जानबख्श साहब की है। वो 13 रोज़ यूनिवर्सिटी आ भी नहीं रहा, रजिस्ट्रार साहब भी यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे। आगे जो हम 8 साल फिलहाल यूनिवर्सिटी में बैठे, इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हमारा इरादा है इंशाल्लाह हम बनीगाला भी जाएंगे, और इस जानबख्श साहब के खिलाफ जितने भी हम जितने फोरम पे भी जा सकते हैं हम बात करेंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी जी। नाजरीन, जैसा कि आपने मुजाहिरीन की राय जानी, इनका यही कहना है कि अगर मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो इनके एहतजाज मजीद जारी रहेगी। इसी के साथ लिबर्टी स्पीकर्स की टीम को इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।